Hello everyone, I welcome you in this online teaching learning process. Our today's topic is numerical on centrifugal pump, which is comes under unit number 6, hydraulic pumps of subject fluid mechanics and machineries. In previous lecture, student, we have studied about draw velocity triangles of centrifugal pump, define mechanical efficiency, manometric efficiency and overall efficiency, define static head, suction head and delivery head. Today's learning outcome, today we solve numerical based on the centrifugal pump. So, अब न्यूमेरिकल देखें हम. सेंट्रीफ्यूगल पंप वर्क्स अंडर अ हेड ऑफ 10 मीटर एट 1000 आरपीएम. मतलब ये प्रेशर हो गया एचएम 100 मीटर 10 मीटर एंड एन हो गया 1000 आरपीएम. द वेन आर कर्व्ड बैक एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. तो ये क्या हो गया, वेन कर्व बैक्ड है एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द टेंजेंट एट द आउटर पेरिफेरी. ये आउटर पेरिफेरी मतलब क्या, आउटलेट में. तो ये आउटर पेरिफेरी में वेन एंगल कौन सा होता है, 5 होता है. तो ये हो जाएगा 5. द इंपेलर डायमीटर इज 30 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 सेंटीमीटर एट आउटलेट. ये इनलेट मतलब होता है D1, आउटलेट मतलब होता है D2. वैसे इनलेट मतलब होता है B1, आउटलेट मतलब B2. तो ये कहाँ पे है, आउटलेट में. तो ये हो जाएगा D2 30 सेंटीमीटर और B2 5 सेंटीमीटर. डिटरमाइन द डिस्चार्ज, हमको क्या निकालना है यहाँ पे, डिस्चार्ज. तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, पाई D1 B1 VF1. तो हमारे पास देखिए D1 है, B1 भी है, लेकिन सॉरी पाई D1 D2 B2 पाई D1 B1 VF1 इज इक्वल टू पाई D2 B2 VF2. ये हमारा डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमें आउटर पेरिफेरी में लेना है, तो कौन सा लेना पड़ेगा, D2 B2 VF2 पाई D2 B2 VF2. क्यों, क्योंकि इनर पेरिफेरी बोलता तो पाई D1 B1 VF1 लेना पड़ता था, लेकिन आउटर बोला इसलिए पाई D2 B2 VF2 लेना है. तो VF2 निकालना है अपने को, तो VF2 अननोन है. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल जो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल और आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल निकालना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है. उसके बाद में देखिए, इफ द मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज 95% आल्सो डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द पंप इफ द ओवरऑल एफिशिएंसी इज 65%. ओवरऑल एफिशिएंसी 65% बोल रहा है और उसको बोल रहा है पावर रिक्वायर्ड निकालो कितना है. तो अपने को दो निकालना है, डिस्चार्ज और पावर रिक्वायर्ड डिस्चार्ज, और उसके लिए अपने को कंडीशन दी गई है, ठीक है. तो देखिए सबसे पहले गिवन में लिखेंगे एचएम इज इक्वल टू 10 मीटर एन 1000 आरपीएम 5 30 डिग्री D2 30 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर B2 5 सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा 0.05 मीटर. इफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी 95% दैट इज 0.95 और ओवरऑल एफिशिएंसी रहेगा 65% दैट इज 0.65. तो देखिए ये ट्रायंगल हमने को निकालना जरूरी है क्योंकि VF2 निकालना है हमें. तो देखिए VF2 निकालना है हमें, तो VF2 के लिए हमें ट्रायंगल्स निकालने जरूरी होंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, हम लोग U2 निकालते हैं. तो U2 का फॉर्मूला था पाई D2 n डिवाइडेड बाय 60. तो ये पाई भी गिवन है अपने पास, D2 भी है, n भी है. तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा U2 15.70 मीटर पर सेकेंड. इफिशियंसी मैनोमेट्रिक का फॉर्मूला था HM इंटू G डिवाइड बाई VW टू U2. तो ये सब चीजें हमारे पास गिवन है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा VW 6.577 मीटर पर सेकंड. अब फ्रॉम आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल ट्रायंगल GFD, तो ट्रायंगल GFD इस ट्रायंगल से हम लोगों को देखिए पाई गिवन है और U2 VW2 हम लोगों ने निकाल लिए है. तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारा tan phi इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो अपोजिट है इसका VF2 और एडजेसेंट है जी और एफ. तो जी और एफ क्या है, U2 माइनस VW2. तो VF2 डिवाइड बाई U2 माइनस VW2 ये हो जाएगा tan phi. तो tan phi की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे देखिए सब चीजें अननोन है, सिर्फ VF2 अननोन है. तो VF2 यहाँ से निकल जाएगा 5.27 मीटर पर सेकंड. तो ये क्यों जरूरी होता है, क्योंकि ये सब हमको यहाँ पे सॉल्व करना होता है, ये टर्म्स निकालनी होती है, इसलिए ट्रायंगल्स जरूरी होती है दोस्तों. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिस्चार्ज. डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या है, क्यू पाई D1 B1 VF1 है या पाई D2 B2 VF2. तो हमको D2 B2 दिया हुआ है और VF2 हम लोगों ने निकाला, तो ये फॉर्मूला रखेंगे तो यहाँ से हमको क्यू मिल जाएगा 0.2483 मीटर क्यूब पर सेकेंड. फिर पावर रिक्वायर्ड निकालना है, तो पावर रिक्वायर्ड का फॉर्मूला हमको इफिशियंसी ओवरऑल देखे दिया हुआ है. तो इफिशियंसी ओवरऑल क्या होता है, वाटर पावर डिवाइड बाय शाफ्ट पावर. तो वाटर पावर क्या है, रो जी क्यू एच एम. तो रो 1000, जी 9.81, क्यू हम लोगों ने अभी निकाल लिया है और एच एम 10 दिया हुआ है. डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर निकालना है अपने को, तो इफिशियंसी ओवरऑल दिया है, तो इसको डिवाइड में आ जाएगा इफिशियंसी ओवरऑल. सो शाफ्ट पावर यहाँ से निकल जाएगा 37474.2 वाट्स. तो ये हो जाएगा 37.47 किलोवाट्स, ठीक है. तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल हो गया. सेंट्रीफ्यूगल पंप डिलीवर 30 लीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड. तो ये 30 लीटर ऑफ वाटर पर सेकेंड क्या हो गया, क्यू हो गया.
हाइट ऑफ 18 मीटर, तो ये 18 मीटर क्या हो गया, HM हो गया। ऑफ पाइप 90 मीटर लॉन्ग, ये क्या हो गया, लेंथ हो गया L 90 मीटर, और 100 mm डायमीटर हो गया D। इफ द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 75%, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या है 75%, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप, पावर रिक्वायर्ड निकालने को बोल रहा है, और टेक F इज इक्वल टू 0.01। तो देखिए यहाँ पे क्यू दिया है 30 लीटर पर सेकंड, तो हम लोगों को इसको काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो 30 की लीटर का मीटर क्यूब में कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10^-3, तो ये जाएगा मीटर क्यूब पर सेकंड। तो इसका आंसर आ जाता है 0.03 मीटर क्यूब पर सेकंड। एच डी दिया हुआ है 18 मीटर, मतलब एच जो जितना हाइट पे हमको वाटर भेजना है वो। उसके बाद डायमीटर दिया है 100 mm, वो चाहेगा 0.1 मीटर, लेंथ दिया है 90 मीटर, इफिशियंसी ओवरऑल दिया है 0.75, दिया 0.012। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे पाई बाय 4 d² से, पाई बाय 4 और डी दिया हुआ है तो इससे एरिया मिल जाएगा। एरिया से हम लोग डिस्चार्ज निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू एरिया इन टू वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पे ये क्यू इज इक्वल टू एरिया इन टू वेलोसिटी वाला फॉर्मूला क्यों लिया हम लोगों ने, क्योंकि हमें यहाँ पे V1 V1 वगैरह कुछ दिया नहीं, इसलिए हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी निकल जाएंगी 3.82 मीटर पर सेकंड। अब हम लोग एच एफ निकालेंगे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन 4 FL V² / 2 GD, ये फॉर्मूला आपको पता है। यहाँ पे सभी वैल्यूज पुट अप करेंगे तो हमारा एच एफ भी आ जाएगा 32.13 मीटर। अब देखिए ये जो था टोटल मैनोमेट्रिक हेड, अभी हमको क्या करना है कि एच एफ मतलब ये लॉस निकाल लिया, हमारे पास प्रेशर कितना है और हमारे पास लॉस कितना। तो टोटल मैनोमेट्रिक हेड क्या रहेगा, एच डी प्लस एच एफ डी, मतलब जितना डिलीवर कर रहे हो उसमें लॉस ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल मैनोमेट्रिक हेड 18 प्लस 32.13, हो जाएगा 50.13 मीटर। एफिशिएंसी ओवरऑल का फॉर्मूला है रोजी की एचएम डिवाइड बाय शाफ्ट पावर, तो हमें शाफ्ट पावर निकालना है, तो रोजी की एचएम डिवाइड बाय हो जाएगा एफिशिएंसी ओवरऑल। तो रो रहेगा 1000, जी रहेगा 9.81, क्यू रहेगा 0.03 और एचएम रहेगा 50.13 डिवाइडेड बाय 0.75, ये आ जाएगा यहां पे 19617 वाट्स, और इसको हम लोग किलोवाट में करना है तो 19.67 किलोवाट हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमएसबीटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको एज अ असाइनमेंट सॉल्व करिए। ठीक है, यहाँ पे आज हम अपना टॉपिक रोक रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप्स। यहाँ पे हमारा सेंट्रिफ्यूगल पंप टोटल टॉपिक खत्म हो जाता है और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेसिप्रोकेट।